पहले तो मैं डॉक्टर मंजूर आलम साहब का शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने ये बड़ी इम्पोर्टेंट मीटिंग इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जेक्टिव स्टडीज की तरफ से बुलाई गई है। और खास बात यह है कि हम लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं कि ये जो सीबीएसई ने जो सिलेबस में कटौती किया है 30%, उसमें से बहुत ऐसे इम्पोर्टेंट चैप्टर्स उन्होंने निकाल दिए जो बच्चों को इम्पावर भी करते थे और करते हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज और स्पिरिट के साथ इनलाइन करते हैं। ऐसे चैप्टर्स उन्होंने बाहर कर दिए जिसमें कि बच्चे जो है सिटीजनशिप का मतलब समझ सके, नेशनलिज्म का मतलब समझ सके। बहुत सारे हिंदी में हमने देखा कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को बाहर कर दिया गया, केदारनाथ सिंह को बाहर कर दिया गया और भीष्म साहनी की किताबों को, चैप्टर्स को बाहर कर दिया गया। तो अब सवाल ये उठता है कि न्यूटन के थियोरीज को बाहर किया गया, तो एक साइंटिफिक मोड ऑफ थिंकिंग को रोकने और उनके अंदर एक क्रिटिकल थिंकिंग पैदा करने की जो कैपेसिटी बिल्ड करने वाले चैप्टर्स थे उन चैप्टर्स को बाहर किया गया। और ये प्रयास, रवि नायर जिनकी बात से मैं सहमत हूँ कि ये प्रयास बहुत पहले से चल रहे हैं, जब गुजरात में पुस्तकों में परिवर्तन किए गए, राजस्थान के अंदर परिवर्तन करने के बहुत सारे परिवर्तन किए गए, इवन राष्ट्रीय आजादी के आंदोलन के बहुत सारे सेकुलर लीडर्स के नाम हटाए गए हिस्ट्री की किताबों से राजस्थान में। तो ये बहुत सारे प्रयास शुरू से किए, करने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे याद आता है कि गुजरात में एक 9th क्लास के एग्जाम में एक प्रश्न पत्र पूछा गया था कि महात्मा गांधी ने सुसाइड क्यों किया। तो हमारा जो इतिहास है उसमें भ्रम पैदा करने, क्योंकि उनको मालूम है कि महात्मा, पूरा देश जानता है कि महात्मा गांधी की हत्या किसने की और किन राजनीतिक वजहों से की गई उनकी हत्या। तो इसलिए उसको भी भ्रमित करने की वजह से उन्होंने ये क्वेश्चन डाल दिया एग्जामिनेशन में कि महात्मा गांधी ने आत्महत्या क्यों। तो इस तरह की कोशिशें पहले से जारी रही है। और ये जो कोविड है, कोविड आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने स्वयं ही कहा था कि इसको हमें अपॉर्चुनिटी के बतौर, अवसरों के बतौर लेना चाहिए। तो ये एक अवसर आ गया है जिसमें कि इस प्रक्रिया को काफी तेज कर दिया गया और ये सिलेबस से ये चैप्टर्स हटाए गए। अब सवाल ये उठता है कि क्या बच्चों को पढ़ाया जाए, ये कौन तय करेगा? ये ब्यूरोक्रेट्स तय करेंगे या देश के शिक्षाविद तय करेंगे? और कितने पोर्शन हटाना है जैसा अनिता जी ने कहा, ये कौन तय करेगा? ये सीबीएसई बोर्ड तय कर देगा, या कि जैसे हम जब पाठ्यक्रमों में चैप्टर शामिल करते हैं तो हम एक बहुत सारे शिक्षाविदों के साथ परामर्श करते हैं, क्योंकि एजुकेशन जो है वो एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव देता है हमारे बच्चों को और उसका एक बड़ा बड़ा दायरा है। शिक्षा शिक्षा हम कहते हैं कि शिक्षा जो है वो समाज के से सामाजिक सरोकारों से जुड़ी हुई है। तो उसके साथ अगर हम उसको लिंक करके नहीं देखेंगे तो फिर हम भूल करेंगे। और मैं समझता हूँ कि यह जो चैप्टर निकाले गए ये कौन लोग निकाल सकते हैं, यह एक बड़ा सवाल उठता है, क्योंकि इसके लिए कोई कंसल्टेशन नहीं किया गया, कोई शिक्षाविदों से चर्चा नहीं की गई, इवन टीचर्स एसोसिएशंस के साथ भी बात नहीं की गई, किसी से भी कुछ चर्चा नहीं की गई। एक ट्वीट आता है मिनिस्टर ऑफ एचआरडी का और दूसरे दिन पता चलता है सबको अखबारों के जरिए कि 30% चैप्टर्स निकाल दिए गए, क्योंकि बच्चों का स्ट्रेस कम करना था। ये बहुत पहले बातें जरूर हुई थी, प्रोफेसर यशपाल भी बस्ते का बोझ कम करने के पक्ष में थे, लेकिन सवाल है कि किस चैप्टर को निकाला जा रहा है, किस इंटेंशन से निकाला जा रहा है, दैट इज द इम्पॉर्टेंट थिंग। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि शिक्षा की हालत, अर्थव्यवस्था की हालत बहुत खराब है, हम सब लोग कह रहे हैं, और उसके साथ साथ आपको जोड़ लेना चाहिए कि शिक्षा की हालत भी इस कोविड पीरियड के बाद बहुत ही खराब हालत हो गई है। पहले भी शिक्षा की हालत बहुत अच्छी नहीं थी। आप जानते हैं कि शिक्षा मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, और उस राइट को पूरा करने के लिए हमारे पास राइट टू एजुकेशन एक्ट है, लेकिन हम एक्ट को लागू नहीं कर पाए क्योंकि हमने उस एक्ट को लागू करने के लिए जो हमें रिसोर्सेज देने चाहिए वो रिसोर्सेज हमने कभी नहीं दिया।
मैं याद दिलाना चाहूंगा कि 1966 में पहला जो एजुकेशन कमीशन बना था कोठारी साहब, प्रोफेसर कोठारी और जेपी नायक के लीडरशिप में, उसने 6% जीडीपी का पैसा खर्च करने की शिक्षा पर बात उठाई थी। ये 1966 में 6% की बात की गई थी। और आज जो है, आज भी हमारे देश में शिक्षा पर जो खर्चे होते हैं, सरकार 2 से 4% के बीच में हमेशा शिक्षा का बजट झूलता रहा। अभी 2.8% की बात आ रही है, कभी कभी सरकार 3% की बात करती है, लेकिन इससे ज्यादा कभी हमने शिक्षा, जबकि इंटरनेशनल एवरेज जो है वो 4.7% ऑफ जीडीपी का है। उस देश जो है 6% तक पहुंच गए, लेकिन हमने शिक्षा को कभी प्राथमिकता में नहीं रखा। और इसीलिए एक फंडामेंटल राइट होते हुए, एक कानून होते हुए भी उसका अमल हम जमीनी स्तर पर नहीं कर सके। आपको मालूम है कानून ने 2013 और 2015 ये दो डेडलाइन दिया था जिसमें कि इस कानून को लागू करना था और यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन का टास्क हमें पूरा करना था, लेकिन हम वो नहीं कर पाए। और 10 सालों के बाद भी केवल 12.7% स्कूल्स में, आउट ऑफ 1.5 मिलियन स्कूल जो हमारे देश में है, केवल 12.7% स्कूल्स में हम कानून को लागू कर पाए हैं। ये हमारी हालत है। और आप देख लीजिए कि अभी भी जो 9 लाख टीचर्स की पोस्ट वैकेंट है एलिमेंट्री लेवल पर, 1.1 लाख सेकेंडरी लेवल पर है। अब आप देखिए कि इस कोरोना में रीओपनिंग ऑफ स्कूल की बात हो रही है, लेकिन हमारे स्कूल उसके लिए सक्षम है नहीं। हमारे पास हैंड वॉशिंग, ड्रिंकिंग वाटर और फंक्शनल टॉयलेट, अगर तीनों को एक स्कूल में देखा जाए तो ऐसे केवल 52% स्कूल है देश में जहां हैंड वॉशिंग, ड्रिंकिंग वाटर और फंक्शनल टॉयलेट है। 8.3% 1 लाख से ऊपर स्कूल है जिनमें केवल एक टीचर है हमारे पास। इतना पैथेटिक हालत है। आप देख लीजिए जो क्वारंटीन सेंटर बनाए गए माइग्रेंट्स के लौटने के बाद बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ में, वहां बहुत सारे स्कूल्स में पानी नहीं, टॉयलेट नहीं है। इस तरह की शिक्षा की हालत हमारे देश में रही है, पब्लिक एजुकेशन सिस्टम की हालत रही है। और इसी की वजह से धीरे धीरे पब्लिक एजुकेशन सिस्टम डिक्लाइन करता गया और प्राइवेटाइजेशन मशरूम करता गया। और वह भी प्राइवेटाइजेशन जो मशरूम किया है वो सारे एलीट स्कूल नहीं है, वो बहुत ही लो कॉस्ट प्राइवेट स्कूल्स मशरूम कर रहे हैं जहां लो पेड और एक बहुत छोटे से इंफ्रास्ट्रक्चर से स्कूल चलते हैं, वो बड़े पैमाने पर जो बहुत सारे बेरोजगार लड़के चलाते थे, लेकिन अब उसमें ब्रिज इंटरनेशनल एकेडमी, पियर्सन, एडुकॉम, बड़ी बड़ी बिजनेस कंपनीज आ गई है, क्योंकि हमारे देश में शिक्षा के प्रति मांग बढ़ी है, एस्पिरेशन लोगों का बढ़ा है और उसको ग्रैब करने के लिए बहुत सारे ट्रांसनेशनल, मल्टीनेशनल और इंडस्ट्रियलिस्ट हाउसेज आ गए हैं मैदान में, जो कि इलीट स्कूल भी, मिडिल क्लास के लिए स्कूल भी और लो इनकम पीपुल के लिए वो बहुत बड़े पैमाने पर बजट स्कूल, लो कॉस्ट प्राइवेट स्कूल खोल रहे हैं। तो ये हालत हो गई है कि अब धीरे धीरे दुनिया भर में जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहां 85% बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं, हमारे देश में 55% बच्चे अब गवर्नमेंट स्कूल में रह गए हैं एंड दे आर गोइंग टू द प्राइवेट स्कूल्स और मोर मेजोरिटी ऑफ देम आर गोइंग इन द बजट स्कूल्स। और बजट स्कूल्स की जो क्वालिटी है उस पर बहुत बड़े क्वेश्चंस भी खड़े हुए हैं। तो इसलिए हमारे देश में शिक्षा की हालत पहले से भी बहुत अच्छी नहीं रही है और हमेशा सरकार उस और आप जानते हैं कि जो पैसे दिए भी जाते हैं जो बहुत ही कम है। अभी अभी पिछले कोरोना के पहले पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने स्कूल एजुकेशन को सुधारने के लिए 82,559 करोड़ की मांग की थी, लेकिन सरकार ने 27.5% कम 52,000 करोड़ सरकार ने शिक्षा के लिए अलॉट किया, स्कूल एजुकेशन के। तो इतना बजट कम है क्योंकि हमारे देश में शिक्षा और स्वास्थ्य ये जो है प्रायोरिटी में नहीं है। और ये धीरे धीरे अब हालत हो रही है कि पब्लिक इंस्टीट्यूशंस की हालत इतनी कमजोर की जा रही है शिक्षा और स्वास्थ्य की कि धीरे धीरे अपने आप प्राइवेटाइजेशन के लिए रास्ता खुले और सरकार धीरे धीरे इस जिम्मेदारी को प्राइवेट सेक्टर के हाथों में सौंपने की तैयारी कर रही है। ये एक बहुत बड़ा खतरा हमारे लिए है
और हमने देखा कि पब्लिक हेल्थ और पब्लिक एजुकेशन नहीं होने की वजह से लोगों को कितना सफर करना पड़ा है। अब इस कोरोना के बाद आप जानते हैं हमारे स्कूल बंद है, कॉलेजेज बंद है, यूनिवर्सिटीज बंद है और करीब करीब 27 मिलियन चिल्ड्रन आर एट होम, आइदर एट होम आर दे आर डूइंग नथिंग। तो ये हालत है क्योंकि आरटी एक्ट के आने के बाद थोड़ा परिवर्तन हुआ था कि इनरोलमेंट बढ़ा था स्कूल्स में। अब धीरे धीरे जो गरीब तबके के बच्चे हैं जो स्कूल्स के साथ इंगेज करते थे स्कूल बंद होने के बाद और सरकार ने उनका कोई लर्निंग इंगेजमेंट नहीं किया, ऑफलाइन इंगेजमेंट नहीं किया, जो बहस चल रही है वो बहस सिर्फ ऑनलाइन एजुकेशन पर चल रही है। आप जानते हैं ऑनलाइन एजुकेशन में सरकार को जो सलाह देने वाले लोग हैं वो कोई शिक्षाविद नहीं है, कोई टीचर्स नहीं है, वो टेक कंपनीज है। टेक कंपनीज अब सामने आ गई है और वो सरकार को ये सुझाव दे रही है कि एजुकेशन को, लर्निंग को डेवलप करने के लिए अब परमानेंट सोल्यूशन के बतौर टेक्नोलॉजी को, हम टेक्नोलॉजी के विरोधी नहीं है, टेक्नोलॉजी एडिशनली टीचर्स को सपोर्ट करे, टेक्नोलॉजी के लिए एडिशनली एज ए सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया जाए बच्चों के लिए। ये पहले से भी चर्चा इसकी हो रही थी, वी आर विद दिस कॉन्सेप्ट कि आप पढ़ाइए, लेकिन अगर टेक्नोलॉजी के जरिए आप टीचर्स को रिप्लेस करेंगे, स्कूल को रिप्लेस करेंगे, इसको परमानेंट मोड ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बना देंगे तो इसमें एक बड़ा भारी डिवाइड खड़ा होगा। ऐसे भी हमारे देश में जो शिक्षा व्यवस्था है वो बहुत ही अनइक्वल है, दुनिया की सबसे ज्यादा अनइक्वल एजुकेशन सिस्टम लेके हम चल रहे हैं। जिसके पास जो इकोनॉमिक कैपेसिटी है उसके हिसाब से उसको स्कूल यहाँ मिल जाएंगे। और आप जानते हैं कि हमने जो पहला एजुकेशन कमीशन था उसने बजट 6% जीडीपी पर खर्च करने के साथ साथ एक और सुझाव दिया था कॉमन स्कूल सिस्टम का, नेबरहुड कॉन्सेप्ट पे, स्कूल को का एक पड़ोस, उसके हर बच्चे को एक स्कूल में आना चाहिए क्योंकि वो स्कूल इज द प्लेस फॉर सोशलाइजेशन। नाउ वी हैव मल्टी ट्रैक एजुकेशन सिस्टम और ये जो मल्टी ट्रैक एजुकेशन सिस्टम है वो इकोनॉमिक स्टैंडर्ड के हिसाब से वो बहुत सारे डिविजन क्रिएट करता है। ये डिजिटलाइजेशन एक तरफ फिर से एक बड़ा डिवाइड सोसाइटी के अंदर क्रिएट करने जा रहा है। शिक्षा जो है वो एक इंक्लूसिव शिक्षा लोगों को जोड़ने का काम करती है, लेकिन डिजिटल डिवाइड डिजिटलाइजेशन का जोर है सरकार का। अभी आपने देखा होगा कि बहुत सारे जगहों पर बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं इसलिए कि उनके पास डिवाइसेज नहीं है, उनके पास मोबाइल फोन नहीं है। अभी मैंने देखा कि हमीरपुर में कल एक बच्ची ने आत्महत्या कर लिया क्योंकि उनके पेरेंट्स के पास एक मोबाइल था और दोनों बच्चों का ऑनलाइन क्लास चल रहा था और एक बच्चे को नहीं मिला तो उसने सुसाइड कर लिया। तो ये हेल्पलेसनेस दिखा रहा है। ये जो डिजिटलाइजेशन है ये अमीर गरीब के बीच में ही खाई नहीं खड़ी कर रहा है लेकिन शहर और गांव के बीच में भी खाई खड़ी कर रहा है, पुरुष और महिला के बीच में भी खाई खड़ी कर रहा है। एक बहुत बड़ा डिजिटल डिवाइड क्रिएट होने जा रहा है हिंदुस्तान में क्योंकि हमारे देश में जो सरकार एनएसएसओ का आंकड़ा है 17-18 का कि हमारे देश में केवल 10% लोगों के पास लैपटॉप और कंप्यूटर है और इंटरनेट एक्सेस जिसमें से 4% रूरल एरियाज में है और इंटरनेट एक्सेस जो है वो 27% है, उसके बाद कुछ भी नहीं है। और फिर आप जो है कह रहे हैं कि साहब हम व्हाट्सएप के जरिए या स्मार्टफोन लोगों के पास नहीं है, सारे जोड़ दीजिएगा तो इंटरनेट एक्सेस केवल 27% है, बाकी जो 73% लोग हैं उनका क्या होगा, ट्राइबल एरियाज में है, रिमोट एरियाज में है, उनके बच्चों का क्या होगा। हमारे देश में शिक्षा में जो सबसे बड़ी चुनौती है वो है इक्विटी और क्वालिटी की, और इक्विटी और क्वालिटी की चुनौती को अगर आप एड्रेस करते हैं तो ये डिजिटलाइजेशन पूरी तरह से फेल है और ये डिजिटल कंपनियां अपना बिजनेस देख रही है और सरकार पर प्रेशर डाल रही है कि वो उनके डिवाइसेस खरीदे और वो ये समझाने की कोशिश कर रही है कि डिजिटलाइजेशन के जरिए हम लोगों को डिवाइसेस देंगे, सरकार स्कूल के बच्चों के लिए खरीद ले और प्राइवेट सिस्टम में वो पेरेंट्स के ऊपर दबाव डालेंगी। और इस तरह तो हम जानते हैं कि हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, हमारे यहाँ बैंडविड्थ नहीं है, हमारे यहाँ इंटरनेट की फैसिलिटी उस तरह की स्मूथ नहीं है कि बच्चे उसको कर सके। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक डिजिटलाइजेशन का एक खतरा तो ये है, एक बड़ा इनइक्वालिटी क्रिएट करने जा रही है इस देश के अंदर,
जिस पर सरकार ने पूरा तरह से जोर डाला हुआ है। और दूसरा खतरा जो है वो ये है कि शिक्षा का जो सोशल कनेक्ट है वो खत्म कर देंगे। हमारे देश में जो शिक्षा का डिस्कोर्स डेवलप हुआ है और जिससे हम अपने पाठ्यक्रमों को तय करते हैं वो एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल से डेवलप हुआ है या तो एंटी कास्ट स्ट्रगल से डेवलप हुआ है। हम जिक्र करना चाहेंगे ज्योतिबा फुले और सावित्री बाई फुले और फातिमा शेख, जिन्होंने एंटी कास्ट स्ट्रगल को शिक्षा के जरिए एड्रेस किया और वहां से हमने शिक्षा, हमने वर्ण व्यवस्था के खिलाफ हमारे गरीबों ने, दलित पिछड़ों और अल्पसंख्यकों ने रिवोल्ट किया और शिक्षा को एक अधिकार के रूप में हासिल किया। यहाँ से हमने अपना डिस्कोर्स डेवलप किया है और इसके बाद आधुनिक भारत में एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल से हमने शिक्षा का डिस्कोर्स डेवलप किया, जहां पर बाबा साहब अम्बेडकर, महात्मा गांधी की नई तालीम, जाकिर हुसैन, सर सैयद साहब, मौलाना आजाद, इन सब ने, या फिर आगे चल के रविंद्रनाथ टैगोर, इन सब ने बहुत बहुत बड़ा रोल प्ले किया है कि शिक्षा समाज के लिए और समाज को संगठित। और भारत जैसे देश में जो बहुभाषी है, जो बहुधार्मिक है, जो बहुत सारी कल्चर का के साथ खड़ा है, उसको एक साथ जोड़ने का माध्यम सिर्फ शिक्षा कर सकती है। और शिक्षा में टीचर्स और स्कूल का एक बहुत बड़ा रोल है। अब ये डिजिटलाइजेशन के जरिए आप उसके उसके उसको उसके पूरे ऑब्जेक्टिव पर अटैक करना चाहते हैं, पर्पज ऑफ एजुकेशन पर अटैक करना चाहते हैं और उसको सीमित करना चाहते हैं और सिर्फ मार्केट तक शिक्षा को लाके मार्केट ड्रिवन एजुकेशन तक बना। इसीलिए जब ये यहाँ बीजेपी ये बहुत दिनों से जो प्रयास चल रहा है कि शिक्षा को सामाजिक सरोकार से काट करके, इसीलिए लर्निंग आउटकम की बात हो रही है, शिक्षा की क्वालिटी को हमने लर्निंग आउटकम तक सीमित कर दिया है कि कुछ पढ़ना लिखना और कुछ मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस हल करना, ये बच्चे जान जाए, इसके अलावा और शिक्षक और कोई सरोकार उठता नहीं रहे। तो ये जो हमने शिक्षा का पर्पज बड़े लंबे समय से डेलिबरेटली हमने जो है सीमित कर दिया है, तो नाउ जब दे हैव जब वो कैरिकुलम से या पाठ्यक्रम से इन चैप्टर्स को बाहर करते हैं तो इसके खिलाफ कोई आवाज उठ नहीं रही है उन हलकों से, जो हलके भारत के फ्यूचर पर रोज चर्चा करते रहते हैं। उनको लगता है कि ये जो शिक्षा का उद्देश्य है वो केवल बाजार की सेवा करने का उद्देश्य है और इसी तरफ बढ़ रहा। और एक और आपको मैं जानकारी दूं, हाल ही में वर्ल्ड बैंक के साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एग्रीमेंट साइन किया है, जिस एग्रीमेंट में वर्ल्ड बैंक, ये स्टार प्रोजेक्ट है जो $3 बिलियन का एजुकेशन प्रोजेक्ट हिंदुस्तान में लॉन्च होने जा रहा है, जिसमें कि 15% वर्ल्ड बैंक लोन देने जा रहा है हमको, लेकिन पूरा जो प्रोजेक्ट है वो डिजाइन करेगा वर्ल्ड बैंक, उसमें टीचर ट्रेनिंग शामिल है। आप जानते हैं कि टीचर ट्रेनिंग एक बहुत बड़ा एरिया है जो क्वालिटी से रिलेटेड है, क्योंकि जब कोठारी साहब ये कहते थे कि डेस्टिनी ऑफ ए नेशन इज शेप्ड इन इट्स क्लासरूम, तब वो ये सोचते थे कि टीचर उसका एक बहुत बड़ा माध्यम होगा, एक चेंज एजेंट होगा, एंड ही विल टेक फॉरवर्ड दिस कॉन्सेप्ट कि भारत का भविष्य जो है क्लासरूम में तय होगा। तब क्लासरूम की बात वो करते थे जिस क्लासरूम में आप कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट और वैल्यूज को पाठ्यक्रमों के जरिए, किताबों के जरिए रिफ्लेक्ट कर रहे होंगे। और वो जो बात उठ रही थी शिक्षा के पूरे योगदान की समाज को बदलने में, समाज के को संगठित करने में, लोगों को एक साथ रह करके रहने का तरीका सिखाने में, नफरत के माहौल को खत्म करके लोगों में इखलाक पैदा करने का, ये जो शिक्षा का एक बड़ा भारी रोल है, धीरे धीरे इस पर हमला किया, इसको तोड़ने की कोशिश की गई। इसलिए जब रवि नायर जी कह रहे हैं कि हमें ये देखना होगा कि कौन लोग हैं जो हमारे 70 सालों के बड़ी मेहनत से बनाए गए इंस्टीट्यूशंस को आज हेड कर रहे हैं, उनकी क्या क्वालिफिकेशन है, उनकी क्या समझ है, वो क्या क्या समझते हैं, मैं देखता हूं कि सारे इंस्टीट्यूशंस पर वो लोग बैठ गए हैं जो लोग शिक्षा के इस होलिस्टिक कॉन्सेप्ट को, जो हमने 70 सालों के डिस्कोर्स के जरिए बिल्डअप किया और जिसको हमने कॉन्स्टिट्यूशंस के साथ इनलाइन किया, सोशल जस्टिस के साथ इनलाइन किया, डेमोक्रेसी सेकुलरिज्म के साथ इनलाइन किया, राइट टू इक्वालिटी के साथ इनलाइन किया, एक इम्पावर सिटीजन के साथ इनलाइन किया, वो सारी चीजें धीरे धीरे उस पर अटैक करने वाले लोग अब वो इंस्टीट्यूशंस को हेड कर रहे हैं। इसलिए ये बहुत खतरनाक दौर है, इसलिए शिक्षा की लड़ाई को आइसोलेशन में देखने की जरूरत नहीं है,
अगर अगर ये कोविड के अंदर लेबर लॉज में परिवर्तन हो रहे हैं, अगर कोविड के अंदर हमारे जो बड़े बड़े पब्लिक सेक्टर जिस पर हमारी अर्थव्यवस्था की बुनियाद खड़ी हुई है, हमारा हमारा देश खड़ा हुआ है, रेलवेज को हम प्राइवेटाइज कर रहे हैं, डिफेंस को हम प्राइवेटाइज कर रहे हैं, बहुत सारी चीजों को प्राइवेटाइज कर रहे हैं इस कोरोना क्राइसिस के अपॉर्चुनिटी को इस्तेमाल करते हुए, और उसी में हम शिक्षा के स्ट्रक्चर को भी शेप को भी बदल देने की कोशिश कर रहे हैं, न केवल एक्सेस से लोगों को रोक रहे हैं, क्योंकि ये जो पूरा प्रयास इस समय चल रहा है वो प्रयास ये है कि बहुत बड़ी आबादी को सब स्टैंडर्ड एजुकेशन दिया जाए, इक्वल टू लिटरेसी, साक्षरता के बराबर उनको अब डाल दिया जाए, और बाकी जो है वो ऑनलाइन के इर्द गिर्द वो 25-30% लोगों को समेट के रखा जाए। ये अगर उद्देश्य है तो ये बहुत ही खतरनाक है, और इसलिए इस बात का हमें विरोध करने की जरूरत है, क्योंकि क्योंकि ये बात सही है कि एक्सेस के साथ साथ और हमें इक्वालिटी का भी ध्यान रखना होगा, और दूसरा ये है कि क्वालिटी की बात करनी होगी। क्वालिटी क्या है? क्वालिटी को डिफाइन करना होगा, रीडिफाइन करना होगा कि ये क्वालिटी लर्निंग आउटकम नहीं है, क्वालिटी केवल मार्केट टू गेट एम्प्लॉयमेंट शिक्षा का उद्देश्य नहीं है, शिक्षा का उद्देश्य लार्जर उद्देश्य है, और उद्देश्य से शिक्षा को हटाया नहीं जा सकता। तो इन सब बातों को लेके मैं और इसलिए एक बड़ी बड़ी बात ये खड़ी हुई है कि हमारे देश में बहुत बच्चे अभी भी शिक्षा के दायरे से बाहर है। आप जानते हैं कि 40% हमारे देश में अभी जो यूनेस्को के आंकड़े देख रहा हूं मैं, वो ये है कि 6 करोड़ बच्चे अभी बाहर है। सेंसस ने कहा कि 10 करोड़ बच्चे जो है वो चाइल्ड लेबर है अभी भी हमारे देश में। ये राइट टू एजुकेशन एक्ट आने के बाद, शिक्षा एक मौलिक अधिकार बनने के बाद भी ये परिदृश्य है कि हम इतने सारे बच्चे चाइल्ड लेबर है, इतने सारे बच्चे एजुकेशन से बाहर है, और ड्रॉपआउट का बहुत खराब हालत है। ड्रॉपआउट जो है वो सेकेंडरी के पहले 40% है। 40% बच्चे नवीं कक्षा में आठवीं के बाद दाखिला लेने में ड्रॉप आउट होते हैं। अभी जो बात उभर के आ रही है वो ये आ रही है कि जिस तरह की हालत है और सरकार जिस तरह आयरन लाइन तक अपने को सीमित करके रखे हुए है, उससे 20-25% स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस का ड्रॉप आउट होगा, और बड़े पैमाने पर चाइल्ड लेबर बढ़ेंगे, चाइल्ड ट्रैफिकिंग होगी, लड़कियों का की शिक्षा सबसे ज्यादा बाधित होगी, और वो फोर्स्ड होगी अर्ली चाइल्ड मैरिजेस के लिए। ये सारे खतरे हैं, सरकार इस पर कोई बात करने को तैयार नहीं है। हमारे प्राइम मिनिस्टर जी बच्चों को टिप्स देते हैं कि एग्जाम कैसे पास किया जाए, जब बच्चे इस सदी की, इस शताब्दी की सबसे गहरे संकट में फंसे हैं कोरोना क्राइसिस में, एक शब्द भी अपनी स्पीचेज में वो बच्चों का जिक्र नहीं करते हैं, और बच्चों को संबोधित नहीं करते हैं, और बच्चों के लिए कोई बात नहीं करते, उनकी स्कूलिंग के लिए कोई बात नहीं करते। एवरीथिंग इज डन बाय एमएचआरडी विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजिकल कंपनी। आपको जान के हैरानी होगी कि अभी जो है वो ये जो वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट है जिसमें 6 राज्यों को शामिल किया जा रहा है, इसमें भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को बढ़ाने के, और इसमें कहा है कि नेशनल फ्रेमवर्क बनाएंगे टू गिव द एंट्री फॉर द नॉन स्टेट एक्टर्स इनटू द गवर्नमेंट सिस्टम। खतरा ये नहीं है कि प्राइवेट सिस्टम बढ़ रहा है, प्राइवेट स्कूल बढ़ रहे हैं, खतरा ये है कि सरकार अपने सिस्टम को भी प्राइवेटाइज कर रही है, आउटसोर्स कर रही है। टीचर ट्रेनिंग आउटसोर्स कर दिया, किताबों का लिखना और छपना आउटसोर्स कर दिया, टीचर हायरिंग भी अब आउटसोर्स होने जा रही है, अब इस तरह के और कंटेंट भी डिसीजन। इसलिए हमें जो सबसे बड़ा खतरा है, जो जिसकी तरफ हम आपको ध्यान दिलाना चाहते हैं कि पहले जो कंटेंट डिसाइड करते थे वो टीचर करते थे, एजुकेशनिस्ट करते थे, प्रैक्टिशनर करते थे, एनसीईआरटी एससीईआरटी करती थी, अब कंटेंट डिसाइड करेंगी टेक्नोलॉजिकल कंपनी, टेक्नोलॉजी कंपनीज अब आपके शिक्षा के पाठ्यक्रमों को और कंटेंट को डिसाइड करेंगी। और उसका एक बड़ा सबूत ये है कि अभी हाल में रोटरी क्लब एनसीईआरटी के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है, जिसमें मिनिस्टर ऑफ एचआरडी भी मौजूद थे और जिसमें बहुत सारे डिजिटल कंपनीज भी मौजूद थी, और उसमें एक पूरा डिजिटल प्रोग्रामिंग के लिए पाठ्यक्रम बनाने का काम रोटरी क्लब ने अपने हाथ में लिया है। तो अब ये कोई शिक्षाविद हिंदुस्तान की शिक्षा का पाठ्यक्रम और कैरिकुलम और ये सब चीजें डिसाइड करने नहीं आ रहा, अब टेक्नोलॉजिकल कंपनी जो है वो बनाएंगी प्रोग्राम, वो बनाएंगी पाठ्यक्रम, और वो एनसीईआरटी उसको लागू करेगी, एससीईआरटी लागू करेगी। तो इंस्टीट्यूशंस भी धीरे धीरे वो डिमिनाइज हो रहे हैं, वो धीरे धीरे उनका
रेलेवेंस खोता जा रहा है। ये एक बड़ा खतरा है, न केवल कंटेंट बदल रहा है बल्कि हमारे इंस्टीट्यूशंस खत्म हो रहे हैं और हमारे देश में अब धीरे धीरे शिक्षा का जो पर्पज है, उद्देश्य है, जो हमने इतने बड़े डिस्कोर्सेज के साथ खड़े किए थे, वो भी अब धीरे धीरे खत्म किए जा रहे हैं। इसलिए अब हमें जरूर खड़े होना पड़ेगा और हमको ये बात कहनी होगी कि हमारे जो शिक्षा के डिस्कोर्स हैं वो शिक्षाविदों के जरिए तय किए जाने चाहिए, बाजार के जरिए तय नहीं किए जाने चाहिए। और ये मुझे लगता है कि इस पर जो है थोड़ा जोर देने की और हमें बचाने की कोशिश करनी चाहिए। हमें हमने अपने बहुत सारे अभी लोगों के साथ विमर्श किए हैं और इस समाज को आगे आना होगा उन बच्चों के को जो बच्चे स्कूल जा रहे थे या जिन बच्चों को स्कूल अभी जाना है। अभी एक बहुत बड़ी चुनौती माइग्रेंट लोगों की भी है, माइग्रेंट्स लौट आए हैं गाँव में और उनके बच्चे लौटे हैं और उनके बच्चे अब प्राइवेट स्कूलों में लो कास्ट प्राइवेट स्कूल की फीस देने की स्थिति में वो लोग नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि देश में 18 करोड़ माइग्रेंट्स की नौकरी चली गई है और अगर 18 करोड़ लोगों की नौकरी चली गई है तो वो अपने की बच्चे की फीस अब प्राइवेट स्कूल में देने की स्थिति में नहीं है और इसलिए बहुत सारे बजट स्कूल भी अब बंदी के कगार पर खड़े हो गए। वो बच्चे सरकारी स्कूलों में आएंगे। कैन यू इमेजिन, वी आर रेडी टू वेलकम दोज चिल्ड्रन हु आर कमिंग फ्रॉम द सिटी फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर टू द गवर्नमेंट स्कूल्स, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल्स में तो क्लासरूम नहीं है, हमारे पास टीचर्स नहीं है, हमारे पास जो है पानी और टॉयलेट नहीं है। तो अब इन बच्चों को कैसे हम अपने सरकारी स्कूलों में एकोमोडेट करेंगे? गवर्नमेंट को इस सवाल पर बात करना चाहिए और उनको एडिशनल रिसोर्सेज देने चाहिए ताकि हमारे स्कूल इक्विप्ड हो सके और इन बच्चों को एकोमोडेट कर सके। तो अभी सबसे बड़ा काम यह है कि हमारे बच्चे जो है, जो मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन दे आर जस्ट ऑन द वर्ज ऑफ द डीलिंकिंग विद द स्कूल एजुकेशन, लर्निंग से छूटने जा रहे हैं, उनको बचाने की कोशिश हमें करनी। तो मैं अपनी बात यही खत्म करूंगा, इन सारी चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव, एक बड़ा मुहिम खड़ा करना होगा और शिक्षा की यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन की लड़ाई या शिक्षा कानूनी हक है उसको हासिल करने की लड़ाई या कॉन्स्टिट्यूशनल जो वैल्यूज स्पिरिट है हमारे पाठ्यक्रमों में रिफ्लेक्ट हो ताकि वो सबकी शिक्षा बन सके, वो उसकी लड़ाई देश के डेमोक्रेटिक मूवमेंट की लड़ाई के साथ जुड़ी हुई है, हमको उस दिशा में आगे बढ़ने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत